हमारा वीडियो आ रहा है गोवर्धन पूजा, राजेंद्र गोपाल आचार्य जी की आवाज में ये जो भागवत है आप सुन रहे हैं, ये मेरे पास में बैठे हैं, आइए देखते हैं भागवत के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज नंद बाबा को समझा दिया और बाबा को तो पता लग गया कि साधारण बालक नहीं है। बाबा बोले कन्हैया तो तुम क्या चाहते हो? कन्हैया ने कहा बाबा अब इंद्र का पूजन तो नहीं होगा, जब हम मौजूद हैं तो इंद्र का पूजन अब नहीं होगा। काहे का पूजन कराओगे बेटा? भगवान बोले अब पूजन होगा तो गोवर्धन का। बाबा बोले गोवर्धन कोई भगवान है? कन्हैया बोले वही तो जिंदा भगवान की बात कर रहा हूं। अरे तुम उस इंद्र की बात कर रहे हो, इंद्र तुम्हारा भोग लेने आता भी नहीं है, लेकिन गोवर्धन महाराज आज स्वयं भोग लेने आएंगे। बाबा बोले आएंगे? आएंगे। तो कन्हैया ने जब इतनी बात कही तो बाबा तो तैयार हो गए। अब धीरे 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 सारे ब्रज में बात फैल गई कि इंद्र का भोजन नहीं होगा और नंद बाबा को छोकरा कन्हैया अब पूजन करा रहा है गोवर्धन का। तो भैया देखो हर गांव में हर मोहल्ले में हर घर में सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग तो भगवान कन्हैया से नाराज थे। तो नाराज हेलो कुछ लोग भगवान से जो नफरत करते थे वो सोचते थे ये बालक जब से पैदा हुआ है तब से ये सहनशील बनता चला जा रहा है, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। कुछ ब्रजवासी तैयार हो गए और कुछ मना करने लगे। अब सारे ब्रज में तैयारी होने लगी, इंद्र का पूजन नहीं होगा, पूजन होगा तो गोवर्धन का पूजन। तो सब लोग अपने अपने घर में तैयारी कर रहे हैं, खीर पूरी पुआ बड़े बड़े सुंदर पकवान बन रहे हैं। अब पड़ोस में एक लड़की है जो भगवान कन्हैया को बहुत प्रेम करती है, छुप छुप के प्रेम करती है, क्योंकि घर वाले जो है भगवान से प्यार करते हैं लेकिन वो लड़की भगवान से प्रेम करती है। और सोचने लगी अगर भैया हमें ना ही जाने देगा तो हम किसी को ये प्रसाद दे देंगे और कह देंगे हमारा प्रसाद चढ़ा देंगे। वो कन्या और अपने घर में बड़ा सुंदर भोजन बना रही है और तब तक उसका भैया आ गया। जब भैया आया और भैया ने कहा क्यों ये सब क्या हो रहा है? लड़की ने कहा भैया आज सभी ब्रजवासी जा रहे हैं और भगवान कृष्ण ने आदेश कर दिया है कि आज गोवर्धन का पूजन होगा। भैया बोला लड़की इन अहिरों का तो दिमाग खराब है, जब से इस नंद बाबा के घर में जो कन्हैया पैदा हुआ है उस दिन से इस नंद का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। अरे इंद्र का पूजन अगर छूट गया तो बताए तो क्या करेगा? इंद्र पूरे ब्रज में आग लगा देगा, इसलिए मेरी मांझा इस कन्हैया के चक्कर में पड़। तो लड़की हाथ जोड़ करके बोली भैया आज तो मुझे रो पड़ेगी और बोली मैं तो गोपन धन को जाओ मेरे बीवी I'm not afraid of the dark.
तैयार हो गए और ब्रजवासियों ने अपने अपने छगड़ाओं में भोजन की प्रसादी रख ली। नंद बाबा कहने लगे देखो भैया, पूजा करने तो चल रहे हो, लेकिन ऐसा करो गाड़ी में लाठी संग रख लो। अरे पता नहीं रास्ते में कैसे क्या हो, तो सभी ब्रजवासी आज गाड़ी में सामान भर के और गिरिराज जी का पूजन करने के लिए जा रहे हैं।